मसूर दाल ऐसा होता ही नहीं, बदनामी किया है। क्या 20 किलोमीटर वापस जाएंगे चल के? रूने लग गई। ये सब लोकेशन देख के हम लोग धन्य हो गए। वाह, ये लोकेशन पे हम लोग पिछले साल रुके थे, हमको सब याद आ रहा है। और पूरा झूला ही, जो झूला था ना, हाँ ये देखो, ये देखो जिस झूला पे हम लोग झूले भी थे वो भी पीछे छूट गया। नहीं नहीं वो आगे है। और यहाँ पे भी हम लोग उतरे थे और यहाँ पे भी झील है एक नीचे इस थैंक यू के अंदर। बहुत बड़ा वाला झील है, अभी तो देख कुछ भी नहीं दिख रहा है। पिछले साल जब हम लोग आए थे तो बहुत ही मस्त दिख रहा था, आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी एकदम जीरो है। अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। पूरे जगह में बस एक ही वेज रेस्टोरेंट है जो सामने दिख रहा है। अब अंदर चल के देखते हैं कि क्या मिल रहा है और कितना खाने लायक है। ये रेस्टोरेंट ना 7:30 बंद हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी बंद होने वाला है। जल्दी जल्दी चलो भाई, नहीं तो हमारा खाना मुश्किल हो जाएगा। हमारा चाय आ गया, चाय ठीक ठाक है। अभी खाना आने वाला है भाई, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ही ज्यादा भूखे हुए भाई। चाय बना कर दो, कॉफी ला दो कॉफी ला रही है, निकल गया। अरे जीजा का एक। बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग यार, और बहुत भूख लगा है। और हम लोगों ना अभी चेरापूंजी जाना है, चाय पी रहे हैं, इसके बाद खाना खाएंगे। हमारा पानी आ गया है यहाँ पे। ये ग्लास खूबसूरत है भाई, जाते टाइम रख लेना दोस्त। बैग में? अरे ये तो ऐसा आदमी है कि जेब में ही रख लेंगे। ये जेब में रख लेंगे, दो दे देना ठीक है। एक गाड़ी में मुझे दे देना, एक आप घर ले जाना। बिल्कुल, सब खत्म हो चुका है खाना इनके यहाँ। यहाँ का नींबू देखो कितना बड़ा बड़ा होता है। निचोड़ दो भाई पूरे प्याज में, क्योंकि ये जो प्याज है ना लग रहा है कि पुराना काटा हुआ है। शूट कर करके इतना थक गए है ना, मतलब जो हमारा गाने का शूट था वैसे भी वैसे का वैसे ही रहेगा बीच में। हमारे वहाँ का खाना देखो कितना डिफरेंट होता है। ये रोटी देखो कितना बड़ा है, रुमाली रोटी लगे। नहीं रुमाली नहीं है, नहीं नॉर्मल रोटी है ये। ये नॉर्मल रोटी है, ले भाई पास करो, निकालते जाओ पास करते जाओ। अब है इसका स्वाद चखने की बारी। स्वाद ठीक ठाक है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये भी मिल गया बहुत बड़ी बात है। कैसा लगा स्वाद पूजा? ये नमक गिरा लिया, ठीक है। तो हमारा एक और फ्राइड राइस आ चुका है। चलो थोड़ा, हम लोगों का ना भूख अब जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ है, नहीं तो हम लोग ना बहुत ही स्पीड में खा रहे थे अभी तक सब कुछ। भूख से जान जा रहे हैं। हाँ भाई, भूख बहुत गंदा लगा था। और अभी तक ना सब कुछ में सबसे ज्यादा अच्छा चावल ही निकला है ना। चावल बहुत टेस्टी है। भूख भी गंदा आता है। क्या बोला? भूख भी गंदा आता है। अरे मतलब बहुत तेज भूख लगा, तेज भूख लगा। हाँ बात सही बोलो ना बस। अरे यार क्यों बात बीच बीच में टोकते रहते हो? नहीं नहीं अच्छा सॉरी, तेज भूख। हाँ बात ऐसी, खा 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 शिवम को और चावल चाहिए। कितना चाहिए भाई? इसको चाहिए नहीं, मैं सधाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं नहीं आपको सधाने की कोई जरूरत नहीं है, मौसा बैठा है खाने के लिए। तो शिवम तो अब जाके हमारा भूख खत्म हुआ पूरा। देखो प्लेट खा गए हम लोग पूरा, देखे कटोरी कुछ भी खाली नहीं है, सब खा गए। अच्छा हाँ, तो ये जितना भी हम देख रहे हैं इन बर्तनों को खाली किया है शिवम जी ने अकेले, और बाकी लोग इधर साथ दे रहे हैं इनका। गिन्नी खा के टुन हो गई हो लड़की, ले ज्यादा खा लिया, ज्यादा खा लिया। ओवर खाने से यही होता है दोस्तों, ये देखिए। और कुछ खाना है क्या? खा ले खा ले, बासा हुआ बहुत है। बासा हुआ देख कितना रोती है, इसी के ऊपर दे दिया है ना बासा हुआ सब खाने का। बिना खा के नहीं देता सब, सब खा के उठ फिर बात बात पे हंसने क्यों लगता है? हंसना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हंसता है। जीजा को दाल अच्छा नहीं लगा। क्या दाल है वो? क्या दाल? मसूर दाल है। मसूर दाल है क्या? कलरिंग दाल है क्या ना? इसमें कोई मसाला डाला हुआ? अगर खाना जो कलर है, कलर है। तुम मसूर दाल नहीं खाया जिंदगी में? खाया तो
फिर भी ये तो ऑरेंज रिंग में ये क्या मसूर दाल डाला है, कलरिंग मसूर दाल। सही बात है, ऐसा मसूर दाल होता ही नहीं है। इस मसूर दाल ऐसा होता ही नहीं, पूरा पीला पीला भेज बोल के क्या ऐसा मसूर दाल खिलाएगा हम लोग को। सही बात है, ऐसा तो सही नहीं है। सही नहीं है, ये बदनामी किया है। सही बात है, ये बदनामी किया है। सही में अच्छा नहीं है, कर दे हाँ? आप लोग कर बात वही। सही बात है, अच्छा नहीं सही नहीं है, ये मसूर दाल ऐसा नहीं होता है, कलर नहीं सही है। भाई सही बोल रहे हो आप। हाँ आप लोग कर ये कह रहे हैं कि ये जो मसूर दाल है ये किसी और चीज का दाल है। नहीं नहीं, ये मसूर, ये चिकने जो पनीर बनाया ना वही ग्रेवी इसमें डाल दिया। बहुत सही बोला जीजा जी ने, बहुत सही बोला। जेनुइन बात है ये, बहुत सही, बहुत सही बोला। मसूर दाल ऐसा कभी नहीं होता ना, कभी नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा दाना होता है, ये ठगबाजी, ठगबाजी है ना, ठगबाजी, ठगबाजी है भाई। लूतरा है, लूतरा है, लूतरा है। कौन लूतरा है? ऑरेंज रेस्टोरेंट, ऑरेंज प्योर वेज, ऑरेंज प्योर वेज रेस्टोरेंट। हाँ मतलब जीजा पता नहीं बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गई है दाल खा के। ये काम कर, बंद करके पहले इसको अपलोड कर, अपलोड कर पहले। जी जब बहुत ज्यादा भड़क गए, देखो ना दाल पे कह रहे हैं कि मसूर दाल है। हाँ वो दाल वो नहीं, बहुत ज्यादा घटिया है। हाँ क्या दाल है ये जो पनीर बनाया ना उसका ग्रेवी इसमें डाल दिया। चलो हम लोग लकी हैं कि यहाँ पे खाने को कुछ मिला। वैसे कुछ कुछ चीज में प्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है मैनेज करके हम लोगों ने खा लिया। ये लकड़ी है यहाँ पे डेकोरेशन, हाँ ये डेकोरेट किया है लोगों ने। यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं ना नेचुरल है, बस खाना थोड़ा और अच्छा होता ना तो ज़्यादा इस एरिया के हिसाब से मैच करता। हल्का था, कोई खास मसाला वसाला कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल खाना था। अब जैसे बाहर में ना एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ा अच्छे से हो, तो वैसा नहीं था, बहुत सिंपल था, एकदम हल्का। रेस्टोरेंट के बाहर कुछ इस तरह का बना हुआ है व्यू लेने के लिए, और चारों तरफ चेरापूंजी लिखा हुआ है। बाहर का नजारा देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो पूजा ने क्या किया था ना, पूजा ने अपना फोन ऑफ, कैसे होएगा ऑफ, मैं कर दूंगा रुक जाओ। पूजा ने अपना फोन टेबल पे छोड़ दिया था और इन भाई साहब ने उठा लिया है फोन, अब ये जेब में रखेंगे। फटाफट ऑफ करो, मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब जब पूजा इस फोन को ढूंढेगी तब हम लोग बोलेंगे कि चोरी हो गया। जल्दी करो, जल्दी खुल गया। अब लोग फ्लाइट मोड पे डाल दो। फ्लाइट मोड डाल दिया ना। हाँ। बस चलो अब जेब में रख लो। अब जब पूजा इस फोन को ढूंढेगी तब हम लोग बोलेंगे कि भाई हमको क्या पता। अब देखते हैं कि पूजा इसको ढूंढती कब है। क्या हुआ, क्या हुआ? ए पूजा दी का फोन है क्या किसी के पास? नहीं मेरे पास नहीं, सुनो। किसके पास है यार? मेरा साइड बैग ले लेना जरा। हाँ। शिवम कौन रखा मेरा फोन? छोड़ दी क्या कहीं? छोड़ दी क्या कहीं रे? ना गाड़ी की सीट पे ही रखे थे, मेरा फोन तुम्हारे पास है। बोला उनको जो पे है। ए मंगाल सुनाई नहीं दे रहा तुमको, क्या बोल रही है ये? फोन इसका कहाँ है? मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्यों होगा इसका फोन? पूजा दीदी का फोन, थोड़ी देर पहले ढूंढ रही थी गाड़ी में। देखो तो फोन किसके पास है? वो तो मंगल के पास है। ढूंढो रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट के अंदर था। पूजा का फोन लास्ट टाइम देखा था मैंने, टेबल पे था। शिट पूजा छोड़ दिया क्या लगता है? हेलो जा रेस्टोरेंट में टेबल पे कौन देखे? मैं हां मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अबे यार क्या 20 किलोमीटर वापस जाएंगे चल के? शिट यार फोन छोड़ दी। लाइट बंद करो ना, तुम लाइट क्या जला के रखी हो? वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है हमको। क्या पता किसका फोन है, हम गए थे इसी से अपना फोन लेने के लिए। दूर रखो अपना फोन इससे, क्योंकि इसका फोन गया ना अब ये सबका फोन तोड़ देगी। सच में गया? अरे अबे लास्ट टाइम टेबल पे देखे रेस्टोरेंट के अंदर यार, रेस्टोरेंट में मैंने देखा था अपने आंख से। यार मुझे ऐसा लगता है कि कम का नुकसान हुआ भाई, अगर ये आईफोन छोड़ देती तो हमको ये लीजिए। छोड़ के आई थी, छोड़ के आई थी ये लड़की, फोन है भगवान। इसका पासवर्ड खोलने में मदद करी शिवम ने, फ्लाइट मोड पे लगाया मैंने। यार पागल हो अभी क्यों दिया यार?
अरे इन्होंने बोला पागल पागल हो क्या यार, नहीं यार परेशान होते, देखो देखो परेशान, देखो रोने लग गई पूजा पानी, हां रोने लग गई आंख में, तो तुम मेरा लेंस खा गई और साला ऊपर से सेंट सुंगा दो हमको, दिमाग काम कर नहीं रहा है मेरा। सेंट को कहती है दारू, ये लड़की कैसी है यार, कहती है दारू महका दिया सेंट अगर मान लो तो। चलिए सुबह सुबह देखो जीजा जी उठ चुकी हैं, भाई मैं भी उठ चुका हूँ, और यहाँ पे ना सुबह सुबह इतना खूबसूरत लग रहा है ना, हर चीज जहाँ नजर मारो वहाँ पे खूबसूरती। तो मैं ना सुबह सुबह उठ के घूमने लग गया, बाकी सब लोग सो रहे हैं अभी तक। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि आगे कोई केव है, जीजा जी ने बताया आगे केव है, उसी का टाइमिंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आगे थोड़ा सा वॉक करके देखते हैं। आगे तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो अभी हम लोग वैसे चेरापूंजी में रुके हुए हैं, और आज से ना मजा डबल होने वाला है, क्योंकि हम लोग उसी जगह पे रुके हुए हैं जहाँ से सारा लोकेशन नजदीक है। हमको बहुत सारे जगह घूमना है, हर रोज कहीं ना कहीं जाएंगे। आप लोग हमारे सारे चैनल्स पे एक्टिव रहना, और ये वाला वीडियो फिलहाल करते हैं समाप्त, और शाम में मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।